कोरोना वायरस की चौथी लहर में इजाफे के बाद पंजाब के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई। एनसीओसी की हिदायत पर मोटरवेज पुलिस ने अमल दरामद शुरू करा दिया। बस अड्डों पर सन्नाटा, केपी के 8 अजला में ट्रांसपोर्ट बंद। एबटाबाद के तमाम तालीमी इदारों और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया, जबकि हर किस्म के अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। कराची में बारिश के बाद मलीर नदी में तुगयानी, विलायत शाह मजार से मुर्तजा चौरंगी तक सड़क जेरे आब, पुलिस ने ट्रैफिक रोक दी, सड़क बंद कर दी। कराची में आज भी बूंदाबांदी चलती रहेगी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मॉनसून के तीसरे स्पेल का आगाज 8 सितंबर से होगा। मॉनसून के दूसरे स्पेल ने कराची को नहला दिया। बादल गरजे भी और बरसे भी। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 60 मिलीमीटर हुई। कहीं तो इंतजामिया ने कारकर्दगी दिखाई और कहीं पर सुस्ती नजर आई। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया। लियारी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। अफगानिस्तान में अमनो अमान और सियासी तस्फिया जरूरी है। इमरान खान की सेक्रेटरी जनरल अकवाम मुतहद से फोन पर गुफ्तगू। वजीर आजम ने अफगानों को पाकिस्तान की जानब से दी जाने वाली मदद से आगाह किया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंच गए। पाकिस्तानी सफीर और तालिबान क्यादत से मुलाकातें। पंजशेर फतह होने की खबर पर काबुल में हवाई फायरिंग से 17 अफराद हलाक। चीफ कमांडर मुल्ला याकूब ने हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी करने वालों का असलहा जब्त करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अफगानिस्तान में आखिरी महाज पर जंग जारी। पंजशेर में तालिबान ने मशरकी इलाके का कंट्रोल संभालने का दावा कर दिया। कमांडर अहमद मसूद का हथियार न डालने का ऐलान। कहा आजादी और इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुज़ाहमत वालों को ना, मुफाहमत वालों को हाँ। तवील अरसे बाद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो में टेलीफोनिक राबता। इलेक्शन कमीशन के नए अरकान के नामों पर गुफ्तगू, मुशावरत के साथ आगे बढ़ने पर इत्तफाक। जियाले चेयरमैन हरीफों को डेंट डालने के लिए मुतहर्रिक। जहांगीर तरीन ग्रुप की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का टास्क मखदूम खानदान को सौंप दिया गया। नून लीग के नाराज अरकान से भी राबतों की हिदायत। तरीन ग्रुप ने पीपल्स पार्टी की जानिब से राबतों की तरदीद कर दी। तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये जो र्यूमर है ये इतने जोर क्यों पकड़ गई है। क्या इसको खास तौर पे कोई प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है? नहीं जी, अभी ऐसी कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बातें क्यों हो रही हैं? लगता है कोई खास मकसद के तहत ऐसी अफवाहें फैला रहा है। अर्ली इलेक्शंस पर कोई बातचीत नहीं हो रही। वफाकी वजीर असद उमर ने प्रोग्राम सवाल में दो टोक कह दिया। बोले मुद्दत खत्म होने से पहले बहुत सारे मंसूबों को मुकम्मल करना है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं। पेशी पे गए शहबाज शरीफ साहब, कहते हैं मेरा तो शुगर मिल नल ताल्लुक ही कोई नहीं रमजान शुगर मिल नल। जैसे पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा था मेरा तो अपने अब्बा जी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। और आप लिख लें इन्होंने अगली पेशियों में कहना है मेरा हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलेंगे, सारा मलबा बच्चों पर डाल देंगे। फयाज चौहान की शोला बयानी, बोले 1.5 साल में शहबाज शरीफ और दीगर अंजाम को पहुंचने वाले हैं। शरीफ खानदान ने इदारों की दुश्मनी में PhD कर रखी है। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने मौलाना को निशाने पर रख लिया। फौज पर तनकीद ना करें, खबरदार कर दिया। मौलवी फजल रहमान के जो पाक फौज के ऊपर हमले थे, पाकिस्तानी होने के नाते बहुत शदीद तकलीफ। तो आप सियासत करें, शहीदों के खून की तरफ मत जाएं, आप बहादुर अफवाज की तरफ मत जाएं।
लाहौर में कांस्टेबल रमजान को शहीद करने वाला डाकू मुकाबले में हलाक कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान सगियां पुल के करीब नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे थे। पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से कत्ल और डकैतियों में मुलविस एक मुलजिम मारा गया, दो फरार हो गए। इस्लामाबाद में पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान ताजर की हलाकत। लवाहिकीन और ताजरों ने श्रीनगर हाईवे पर लाश रखकर एहतजाज किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, एहतजाज खत्म कर दिया गया। वर्सा मैयत लेकर आबाई इलाके रवाना। पंजाब पुलिस की जेंडर क्राइम पुलिस ऑफिसर खुद अगवा और जिंसी ज्यादती का निशाना बन गई। मुजफ्फरगढ़ में कार सवार मुलजिम ने डीपीओ हाउस और थाना सदर के करीब असलहे के जोर पर अगवा किया, करीबी बागात में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार करके वाकये में इस्तेमाल होने वाली कार बरामद कर ली। नूर मुकदम का कातिल जाहिर जाफर पागल नहीं, शराबी है। थेरेपी सेंटर के मालिक ताहिर जहूर का इंकशाफ। पुलिस और मुलजिम के वालिदैन पर इल्जामात की बरसात बताया। कत्ल के बाद मुलजिम ने पागल बनने का ड्रामा किया। जख्मी मुलाजिम अमजद कैसे बच निकला खुद बताया। कहा जाहिर ने पिस्तौल से फायर किया मगर मिस हो गया। फिर मुलजिम ने छुरी से गला काटने की कोशिश की। लाहौर में रक्षा सवार खातून को हिरासत करने का केस। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मुलजिम तारिक खान को गिरफ्तार कर लिया। गुलशन रावी थाना में मुकदमा दर्ज। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 98 अफराद को कैंप से जेल से रिहा कर दिया गया। कैद से छुटकारा मिला तो माएँ बेटों से लिपट कर रोती रहीं। एक मोटरसाइकिल 12 बच्चे। शहरी ने किसी को दाएं, किसी को बाएं, किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी को आगे और किसी को पीछे बिठाया, सड़कों पर घुमाया। बच्चों ने खतरनाक राइडिंग को मामूल बताया। समा से गुफ्तगू में बच्चों की जिंदगियां खतरे में डालने वाला आसिफ शर्मिंदा नजर आया। 11 बजे उनसे बच्चे नहीं बिठाने चाहिए थे मुझे, फिर भी हमने जो मजाक करे थे, किसी ने वीडियो जो वैसे ही सोशल मीडिया पे भेज दिया तो मुझे नहीं पता चला कि कैसे हुआ है। आइंदा हम तैयार करेंगे इतने बच्चों के जो उनसे ना नहीं जो हम सेल कराने के लिए। नामजद चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा की बाबर आजम के बाद सोहेब मकसूद से मुलाकात। वर्ल्ड T20 में खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। बोले आपने डोमेस्टिक में अच्छी बैटिंग की, मिडिल ऑर्डर में आपका परफॉर्म करना जरूरी है। मेरे ख्याल से बस दुआ ये करनी चाहिए कि जो भी शादी करे बस उसकी शादी के बाद सुकून आए उसकी जिंदगी में। मी तो काफ़ी पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अगर 2022 में हो सकता है, लेकिन 2021 में तो बिल्कुल भी। जितने हमारे कोलीग्स की जिनकी नई शादियां हुई हैं वो ज़रा थोड़ा सा भाभियों से हमारी डरते हैं, तो इसलिए ज़रा साथी खिलाड़ी बेचारे हैं, बीवियों से डरते हैं। 2021 में शादी का कोई चांस नहीं, अगले साल सेहरा बांध सकता हूं। इमामुल हक ने समा के प्रोग्राम स्पोर्ट्स सेक्शन में दिल की बातें बताई। बोले हो सकता है बाबर आजम की शादी उनसे पहले हो जाए।